सच तो ये है कि हर कोई ही तुम्हें तकलीफ़ देगा। तुमने सिर्फ उन लोगों को ढूंढना है कि जो इस लायक हैं कि जिनके लिए मुसीबतें बर्दाश्त की जाएं। कोई नहीं निभाता, अट्रैक्शन सिर्फ वक्ती होती है और वो तजस्सुस के साथ ही ख़त्म हो जाती है। यकीन करें, अपनी ज़ात को ग़लती से भी किसी का आदि मत बनाएं, क्योंकि इंसान लम्हों में बदलते हैं और फिर आपके हिस्से में सिर्फ खिसारे आते हैं। खूबसूरती का चेहरे और रंग से क्या ताल्लुक? मैंने तो खूबसूरती मुस्कुराहट में देखी है, लहजे की मिठास में देखी है, सकून देने वाले चंद अल्फाज में देखी है, सिसकने वाले दिल के कह कह में देखी है, खलूस में दिल से हाथ थामने में देखी है, खामोशी से मोहब्बत करने वाले जज्बात में देखी है, गलती के बाद माफ़ करने में देखी है, औरत के सब्र में देखी है, और मर्द को कर्ब के लम्हात में रोते हुए नमाज पढ़ने में देखी है। हालात और जज्बात बदसूरत हो सकते हैं, मगर मैंने कभी किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में बदसूरत नहीं देखा, ख्वा वो मर्द हो या औरत। ज़िंदगी एतबार की जंग होती है। जब एतबार ख़त्म हो जाता है तो लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन हकीकी ज़िंदगी तब ही शुरू होती है जब आप चेहरों के पीछे छुपी मकारी मुनाफ़त से वाकिफ भी हों और उनके सामने मुस्करा भी रहे हों। या रब्बुल आलमीन, हम सब को आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा, हमारे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे हमारे दिल खुश और मुतमईन हों। हमें ज़हनी और कल्बी सकून अता फरमा और हमारे मामलात को आसान कर दे। आमीन।